नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस मॉर्निंग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सीधी से, तेज रफ्तार ट्रक ने तीन बसों को टक्कर मारी। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है जबकि 50 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को रीवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। मोहनिया टनल के पास ये हादसा हुआ था। देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल पर पहुंचे, घायलों से मुलाकात करी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम ने तुरंत जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा, रीवा में घायलों से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साधारण घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की है। सीधी से खबर आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बसों को टक्कर मारी। सीधी से खबर आपको बता रहे हैं जहां तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बसों को टक्कर मारी। 24 फरवरी की रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बसों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल पर पहुंचे, घायलों का हालचाल जाना, मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी, मुआवजे का भी ऐलान किया, बड़ी घोषणा की है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 24 फरवरी की रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बसों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने अपना दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री शिवराज रात को ही घटनास्थल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। दिखाने के लिए स्थल पर पहुंच चुके हैं। हम आपको सीधा स्थल से दिखा रहे हैं। ये जो बस थी वो सतना से अमित शाह की रैली से वापस आ रही थी, टक्कर हुई और बुरी तरह बस एक्सीडेंट हो गई। जी, अनकंट्रोल्ड हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहां अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटना स्थल भी हम लोग गए थे, अभी घटना स्थल पर अब कोई नहीं है। सारे लोग यहां अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर हैं तो आईसीयू में हैं, चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है, जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे।
जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी, और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहां वो सेवाएं दे सकता है हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे। सरकारी घायलों को ठीक इलाज मिले इसके प्रबंध के साथ जो गंभीर घायल है उनको 2 लाख रुपए, जो साधारण घायल है उनके परिजन को 1 लाख रुपए। ये इलाज के अतिरिक्त हम देने की व्यवस्था करेंगे। जो साथी नहीं बच पाए उनके संरक्षक हम हैं, उनके परिवार की पूरी चिंता की जाएगी, और घायलों का जो भी बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो करवाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम ये निर्देश भी देंगे कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अगर लाभान्वित किया जा सकता है, अगर किसी का मकान नहीं होगा, कच्चा मकान होगा, तो उसको मकान के लिए भी हम राशि अलग से स्वीकृत करेंगे, और किसी अन्य योजना में जिसका लाभ नहीं मिल रहा होगा और पात्रता आती होगी तो उन योजनाओं का लाभ भी उनको दिया जाएगा। हम उनके परिवार के दर्द को, तकलीफ को पूरी तरह से कम करने की, पीने की कोशिश करेंगे। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से मेरी संवेदनाएं हैं, हम सब उन परिवारों के साथ खड़े हैं जो इस दुर्घटना में हताहत भी हुए हैं, कुछ लोग घायल हैं, उनको उचित व्यवस्था से लेकर के उनके इलाज और सारी बातों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ तत्काल यहाँ आकर के उन्हें सहायता देने का, हर प्रकार से इलाज उन्हें उपलब्ध हो, ये प्रयास हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और ऐसे परिवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूँ जो ऐसे साथी इस घटना में चले गए, और उनके साथ हम सभी लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी। तो बिल्कुल, सीएम शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, उन्होंने कहा हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, और मुआवजे का भी यहाँ पर उन्होंने ऐलान किया, एक बड़ी घोषणा उन्होंने की है, मुआवजे को लेकर काफ़ी सहायता राशि यहाँ पर दी जाएगी। और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को भी आपने सुना, वो भी जो है घायलों से, मृतकों के परिजनों से मिलने पहुँचे, ढांढस बंधाया। अब आइए, आपको कलेक्टर साकेत मालवी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। 3 बसें हमारे कतार में थी वहाँ पे सड़क किनारे, और पीछे से ट्रक जिसका टायर जो प्रत्यक्षदर्शी बताए थे टायर पर छोटे कारण वो अनबैलेंस हुआ, जिसके कारण उनको लीजन हुआ और उसमें दुर्घटना हुई है। इसमें घायलों को रीवा मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करा दिया, उनके उपचार जारी हैं, और जो मृतक हुए हैं उसका कंफर्मेशन आना शेष है, एक बार डॉक्टर कंफर्म करेंगे। तो कुछ मृतक भी हुए हैं, माना जा रहा है घायलों की संख्या कितनी होगी सर? लगभग 30 के आसपास हैं, जिसमें कि सामान्य भी हैं और कुछ गंभीर भी हैं, बट सभी खतरे से बाहर हैं। मृतकों की संख्या लगभग अनुमान 7-8 होने की संभावना है, जो अभी कन्फर्म होगा, जैसे वो डॉक्टर उसको सर्टिफाई करेंगे तब हम एग्जैक्ट संख्या के बारे में। दुर्घटना पे शोक संवेदना उन्होंने व्यक्त किया है, और घायल जो हैं हमारे उनको हर संभव, चाहे रीवा प्रशासन हो या मेडिकल कॉलेज के लोग हों या जिला प्रशासन, यहाँ से भी जल्दी हैं कि उसमें कोई भी नहीं हो, और बाकी फिर अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसमें फिर हम लोग लगे हुए हैं। देखिए, अब लोग को यहाँ पे जैसे कुछ लोग टॉयलेट के लिए भी गए हुए थे, नीचे उतर के रेस्ट कर रहे थे, और पानी तो उनको देना भी चाहिए, और इसके लिए पानी
देने के लिए यहाँ पे लोग लगे रहे थे। हमारे दो चार पटवारी भी घायल हो गए हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए, वो लोग भी व्यवस्था में लगे हुए थे। ट्रैफिक के लिहाज से तो कोई, मुझे लगता है कि क्योंकि ये प्योर दुर्घटना की ही केस बनता है, क्योंकि टायर बर्स्ट होने के कारण अनबैलेंस हुआ था, बाकी सभी लोग बढ़िया से गाइड कर रहे थे। इसी के कारण तो ये दुर्घटना का सीधा संबंध कोई नहीं देखता है, बाकी उसको अलग से NH के अधिकारियों के साथ भी बैठ के, और बाकी हम लोग इसमें देखेंगे कि सेल्फी के कारण अगर दुर्घटना की स्थिति निर्मित होती है तो किस प्रकार से इसको यहाँ पे भविष्य में इसको एक सेफ जोन के रूप में। तो सीधी से ये खबर आपको बता रहे थे, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने तीन बसों को जोरदार टक्कर मार दी। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता विवेक राणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही सीधी से हमारे संवाददाता गिरीश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस प्रकार से ये हादसा हुआ बहुत ही दर्दनाक हादसा, CM शिवराज सिंह चौहान तुरंत जो है पीड़ित परिवारों से मिले, घायलों से मिले, हालचाल जाना, और यहाँ पर एक बड़ा ऐलान किया, बड़ी घोषणा की सहायता राशि की, क्या कुछ अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, बता देना चाहता हूँ, सतना में कल गृह मंत्री अमित शाह की जनजातीय सम्मेलन में आदिवासी सीधी से कई बसों से गए थे सम्मेलन में भाग लेने के लिए। करीब 8:30 बजे जब सतना से वो लोग वापस आ रहे थे तो नवनिर्मित मोहनिया टनल से मुश्किल से 100 मीटर आगे बसें खड़ी करके लंच पैकेट पानी पी रहे थे। उसी समय रीवा की तरफ से तेज रफ्तार आ रहा ट्रक, जिसका टायर बोल जाने के कारण वो बस में जबरदस्त ठोकर दी, जिससे पीछे वाली बस भी और उसके ठोकर में आ गई और दोनों क्षतिग्रस्त हो गई, दोनों पलट गई, और सामने से जो सीधी से रीवा की तरफ बस आ रही थी उसने भी जाकर ठोकर लगी, लेकिन वो गनीमत रही कि वो बच गई। बिल्कुल, घटना की जानकारी पाते ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्थल पर स्थानीय विधायक को तुरंत वहां पर भेजा और कलेक्टर से पल पल अपडेट लेते रहे, और करीब 11:30 बजे जो है घटना स्थल में पहुंचकर काफी बारीकी के साथ स्थल का निरीक्षण किया व घटना में मृतकों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया, और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 2 लाख और जिनको नॉर्मल चोटें आई है उनको 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बिल्कुल, जो है यहाँ पर सहायता राशि की घोषणा की गई है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे गिरीश, के जिस प्रकार से जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ, 50 से ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, घायलों के लिए हालांकि सहायता राशि की घोषणा कर दी गई, लेकिन अभी घायलों की क्या कुछ स्थिति है, इस बारे में कुछ जानकारी आपके पास आ पाई है? घायलों की अब स्थिति 11:30 बजे जो प्रशासनिक अधिकारियों की सूत्रों की माने तो सब की स्थिति अब नॉर्मल बताई जा रही थी। मरने वालों की जरूर संख्या की पुष्टि प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई है, लगभग ये अंदाज लगा रहे थे और सूत्रों से पता चला है कि कम से कम 13 से 14 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें से 4-5 लोगों की स्थल में ही डेथ हो गई थी, बाकी की वो मेडिकल कॉलेज रीवा में पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिए हैं। जी गिरीश, बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। विवेक जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जिस प्रकार से एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ, CM शिवराज सिंह चौहान तुरंत जो है मिलने पहुंचे, घायलों का हालचाल जाना, सहायता राशि की भी यहाँ पर घोषणा कर दी गई, लेकिन किन का जो कारण है, किस कारण से ये घटनाक्रम पूरा हुआ, इन पहलुओं की जाँच हो पाई, अभी तक जाँच में कुछ सामने निकल कर आ पाया? नहीं, बिल्कुल, CM निर्देश दे दिए हैं, स्थानीय कलेक्टर कमिश्नर वो इसकी विधिवत जांच होगी और फिर जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी विवेक जी, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, अभी हाल फिलहाल जो है घायल अस्पताल में भर्ती हैं, यहाँ पर सहायता राशि की भी घोषणा कर दी गई है, आगे भी कुछ CM शिवराज सिंह चौहान ने दिशा निर्देश दिए हैं? बिल्कुल पूनम, जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली उसके तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से सीधी की ओर रवाना हुए, साथ ही BJP के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युदत्त शर्मा भी जानकारी मिलने के बाद तुरंत रवाना हो गए थे और मौके पर जाकर जायजा लिए, साथ ही सीधी अस्पताल पहुंचे, अस्पताल में जाकर जो जो मरीज है
उनसे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा करते हुए एक बड़ा ऐलान किया कि जो मृतक है उनके परिजनों को सहायता राशि, एक राहत राशि दी जाएगी 10 लाख रुपए की। साथ ही जिनको गंभीर रूप से चोट आई है, जो घायल है, उनको 2-2 लाख रुपए की जो सहायता राशि वो दी जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो मृतक है, यदि उनके जो परिजन है या उनके कोई ऐसे परिजन है जो पढ़े लिखे हैं और वो नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी, तो सरकार द्वारा उनको सरकारी नौकरी भी है पूनम वो दी जाएगी। क्योंकि हमेशा से देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील है। यदि ऐसी कोई मध्य प्रदेश में कोई घटना होती है और जानकारी मिलती तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं तुरंत मौके पर पहुंचते हैं, और साथ ही मौके पर पहुंचने के पहले तमाम जो प्रभारी मंत्री है, विधायक है, जनप्रतिनिधि है, कलेक्टर है, उनको पहले ही सख्त निर्देश देते कि किसी प्रकार की जो चूक है वो नहीं की जाएगी। साथ ही ये पूरा जो बड़ा हादसा हुआ, इसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से अधिक जो लोग घायल है, लगातार जो घायल है उनका जो इलाज है वो रीवा और सीधी के मेडिकल अस्पताल में किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि ऐसे घायल है जिनको कहीं बाहर भी इलाज कराया जाएगा तो उसका इलाज का पूरा जो खर्चा है वो प्रदेश सरकार उठाएगी। मगर एक बड़ा जो घटनाक्रम है वो मध्य प्रदेश में कल देर रात देखने को मिला है। जी बिल्कुल, एक बड़ा घटनाक्रम कह सकते हैं इसे, जो रात को हमें देखने को मिला, काफ़ी भयावह तस्वीर, क्योंकि घायल 50 से ज़्यादा घायल हुए हैं, 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। विवेक जी, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, जिन 13 लोगों की मौत हुई है, क्या उनके परिवार वालों को अभी जो है शव कब तक सौंपे जाएंगे, कब तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, कब तक ये पूरी जाँच होगी? बिल्कुल, मृतक के परिजनों की बात की जाए तो सभी को एक एक कर चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करके जो मृतक है उनके परिजनों को सूचित कल देर रात कर दिया गया। कुछ जो मृतक है जिनकी पुष्टि की जा रही है उनके परिजनों को बता दिया जा रहा। आज सुबह 7 बजे के बाद जो परिजन पहुंचेंगे मृतकों के, उनको कहीं ना कहीं जो डेड बॉडी है वो सौंप दी जाएगी। मगर पूनम बात की जाए, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ है और पूरे मध्य प्रदेश को दहलाने वाला है, ये एक बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल है। जिसके चलते बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी पूरे मामले को लेकर दुख जताया है, और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पूरे मामले को लेकर पैनी नजर बनाए हुए है। जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं कहा कि इस पूरे मामले को लेकर मैं खुद पूरी जानकारी लूंगा, और आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल देर रात तक जो घायल है उनके परिजनों से मुलाकात की, घायलों से मुलाकात की है, और अब राजधानी भोपाल में भी सुबह 7 बजे के बाद ये पूरे घटनाक्रम को लेकर वहां के कलेक्टर और प्रभारी मंत्रियों से तमाम जो अपडेट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लेते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया विवेक जी आपका साझा करने के लिए। और साथ ही गिरीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जिस प्रकार से जो है फिलहाल सहायता राशि की घोषणा कर दी गई है, अभी मृतकों के घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच चुके हैं, और जो बस और ट्रक की भीषण जो टक्कर हुई है, तो क्या उसको लेकर रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है? रेस्क्यू पूरा हो गया है, और जो घायल थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाई, जिनकी डेड हो गई थी स्थल में, उनको भी हॉस्पिटल भेजा गया है, और वहीं से अब पूरी प्रक्रिया होगी। लगभग 9 से 10 बज जाएंगे तो सब जो है परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जी शुक्रिया गिरीश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एक बड़ा भीषण और दर्दनाक हादसा, सीधी में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, ट्रक ने 3 बसों को टक्कर मारी, ये भीषण हादसा। और जैसे ही इसकी खबर सीएम शिवराज सिंह चौहान को लगी, सीएम शिवराज सिंह चौहान तुरंत संज्ञान लिया और घायलों से, मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया, सांत्वना दी, और इसी के साथ जो है एक बड़ी घोषणा यहाँ पर सहायता राशि की गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।